हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान। आप देख रहे हैं रचना ड्राईक्लीन। आज मैं आपको बताऊंगा सोफ़ा किस तरीके से ड्राईक्लीन किया जाता है, सोफ़ा किस तरीके से क्लीनिंग किया जाता है, प्रोफेशनल आपके घर पर आकर किस तरीके से सोफ़ा क्लीन करता है। तो पूरा प्रोसेस मैं वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगा और आप भी जान लेंगे हमारे सोफ़े में किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। तो आइए चलते हैं क्लीनिंग। सबसे पहले हम इस सोफ़े को चेक करेंगे कहीं से फटा कटा तो नहीं है। उसके बाद हम पूरे सोफ़े की डस्ट निकालेंगे, मतलब सूखी जो इसके अंदर डस्ट भरी हुई है, सूखी धूल मिट्टी जो है उसको वैक्यूम के द्वारा निकालेंगे। फिर जो हमने केमिकल का सॉल्यूशन बनाया है सोफ़े क्लीन करने के लिए, जो केमिकल्स होते हैं उसका सॉल्यूशन बना के इसको पूरे पे डीप कर देंगे, मतलब पूरा सोफ़ा उस केमिकल से भिगो देंगे, मतलब अच्छे से पूरा भिगो देंगे, एक भी जगह सूखी ना रहे। अब इसमें हम ब्रशिंग करेंगे, अच्छे तरीके से ब्रशिंग करेंगे, पूरे कोने कोने तक ब्रशिंग करेंगे। हर प्रोफेशनल के पास ब्रशिंग मशीन नहीं होती है, पर कोई बात नहीं, वो हाथ से भी ब्रश कर रहा है तो पर अच्छे से ब्रश करे, कोने कोने में ब्रश करे। ब्रशिंग करने के बाद अब इस पर हम वेट वैक्यूम कहेंगे, मतलब जो इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लगा के ब्रशिंग करी है, जो पानी बचा हुआ है, गंदा पानी, उसको हम वैक्यूम के द्वारा सारा पानी खींच लेंगे। अच्छे तरीके से खींचना है, पूरी तरीके से खींचने के बाद 2 घंटे के लिए फैन में या धूप में सूखने के बाद आपका सोफ़ा यूज़ करने लायक हो जाएगा। गाइस, आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से सोफ़ा क्लीन हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सोफ़ा क्लीन करने का। तो आपके घर पे कभी भी कोई प्रोफेशनल सोफ़ा करने आए तो आप उससे पूछ लेना या देखते रहना उसको किस तरीके से वो सोफ़ा क्लीन कर रहा है। अगर वो इस प्रोसेस को पूरा कर रहा है तो आपका सोफ़ा क्लीन हो चुका है। आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर कर दो और लाइक कर दो।